दोस्तों आजकल इस वाले गैजेट को सैनिटाइजर स्प्रे के नाम पे बहुत ज्यादा सेल किया जा रहा है, तो आज के स्टूडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हे दोस्तों, आप लोग वी फॉर वीडियोस, आज के स्टूडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इस नैनो मिस्ट स्प्रे को, जो कि सैनिटाइजर स्प्रे के नाम पे आजकल बहुत सेल हो रहा है। आज के स्टूडियो में हम लोग इसे देखेंगे कि भाई ये कितनी देर में चार्ज होता है, एक बार चार्ज करने पर कितनी देर तक चलता है, और क्या ये वाकई में एक सैनिटाइजर स्प्रे की तरह यूज़ किया जा सकता है या नहीं। तो बहुत डिटेल में हम लोग इस वीडियो में इसे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स को दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये सैनिटाइजर स्प्रे है नहीं, इसके बॉक्स में देख लो कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये क्लिकबेट है फ्लिपकार्ट वालों की, फ्लिपकार्ट के सेलर्स की। ये नैनो मिस्ट स्प्रे है जिसका यूज़ हम लोग अपने फेस पे कर सकते हैं, अपने फेस को कूल रखने के लिए, काम रखने के लिए, और उसमें मॉइस्चर हल्का सा करने के लिए, मॉइस्चराइजिंग योर स्किन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से हटा दो कि ये कोई सैनिटाइजर स्प्रे है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और ये केबल इसके साथ मिली हुई थी। और फाइनली ये है स्प्रे। तो सबसे पहले चार्जिंग टेस्ट करेंगे। इसे मैंने पहले पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, और चार्ज होने पर इसमें रेड कलर की LED जलती है, और जब पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, जिसमें कि मुझे लगे थे 1 घंटे, तब इसकी रेड LED चलना बंद हो जाती है, यानी कि ये फुल चार्ज हो गया है। अब एक चेक करेंगे कि भाई कितनी देर चलता है। तो इसमें मैंने फुल टैंक भर दिया है, इसका फुल टैंक में भी थोड़ा खाली रह जाता है, और ये चालू कर दिया है, और यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच लगा दिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक टैंक कितनी देर तक चलेगा, ठीक है। तो पहला टैंक फुल करने पर चला था करीब 10 से 11 मिनट। तो एक बार फुल कर देंगे तो ये चलेगा 10 से 11 मिनट। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये कितनी देर लगातार एक बार चार्ज करने पर चल सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें रिफिल करता जाऊंगा और चलाता जाऊंगा, और टाइम लैप्स चलता रहेगा। तो भाई ये चल चुका है अब तक 5 बार, छठी बार में हल्का बंद पड़ गया है, चलने लगा, लेकिन फिर से बंद पड़ जाएगा क्योंकि इसकी हो गई है बैटरी ख़त्म। और वैसे भी थोड़ी देर मैंने और भी चलाया था, तो मान के चल सकते हैं ये चलता है एक बार चार्ज करने पर 5 से 6 बार, यानी कि करीब 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक का। तो चलिए अब सैनिटाइजर भर के चेक करते हैं, और करते हैं इसका रियलिटी चेक। वैसे सैनिटाइजर वाली मशीन है ही नहीं, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। वैसे जिसको भी लेना है, मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शायद किसी को कोई दूसरा काम हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोबाइल को सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने मोबाइल पे डाला, और देखना ध्यान से आप लोग, अब की बार बाहर की रोशनी में देख लो। तो जब मैं मोबाइल पे डाल रहा हूँ, मैक्सिमम स्प्रे तो हवा में ही उड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मोबाइल में कुछ सैनिटाइजर पड़ा भी है या नहीं। एक बार इस ब्लैक स्क्रीन पे देख लो, जब मैंने स्क्रीन पे डाला तो मैक्सिमम सैनिटाइजर उड़ ही गया। अगर हम लोग किसी कपड़े से पोंछते तो हाँ, वहाँ पे दिखता कि मैंने पोंछा है, और अगर काफ़ी देर तक मैं रोक के रख रहा हूँ तो ही हल्का फुल्का सैनिटाइजर स्क्रीन पे चिपक रहा है। तो क्या आपको लगता है इससे हम लोग कुछ भी सैनिटाइज कर पाएंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। अभी हाथ पे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मल सैनिटाइजर, सिंपली नॉर्मल मेथड से हाथ में लेता हूँ और हाथ में मलता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना, नॉर्मल सा टेस्ट है लेकिन शायद काम का टेस्ट है। तो जैसे मैंने सैनिटाइजर को हाथ में मला, तो ऐसा करने पर हमारा हाथ कुछ सेकंड के लिए ही लेकिन गीला रहता है। आप लोग देख लो, पानी की परत सैनिटाइजर की परत हाथ में पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर सेम काम हम लोग, जो मैंने एक वीडियो बनाया था जुगाड़ वाला, स्प्रे के जरिए भी सैनिटाइजर को हाथ में डाल के करते हैं, तो भी देखना आप लोग। ये मैंने स्प्रे के जरिए सैनिटाइजर को हाथ में डाला, तो भी हमारा हाथ काफ़ी हद तक गीला हो जाता है, और दिखता भी है कि हाथ में सैनिटाइजर पड़ा है, ये देखो, ठीक है। तो गौर करना इस बात को, और जब काम हम लोग सेम काम करते हैं इस मिस्ट स्प्रेयर से सैनिटाइजर भर के, तो हाथ में सिर्फ हल्का कूलिंग इफेक्ट ही आता है, और मैक्सिमम सैनिटाइजर हवा में ही उड़ जाता है, और बहुत कम ही हाथ में लगता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करने पर हमारा हाथ सैनिटाइज हुआ होगा या नहीं? तो बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे।
तो इसका यूज जो है पानी भर के या फिर गुलाब जल भर के वही किया जाए तो ही ठीक है, वही ठीक से कर पाएगा। तो भाई छोटे से टेस्टिंग देख के आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से इसका जो काम है इसे वही कराया जाए तभी ठीक है, मस्त पानी या फिर गुलाब जल भरो और मस्त अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लो। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर इसका व्हाट इज इनसाइड वीडियो देखना तो कमेंट में बताना, अगला वीडियो यही होगा।